मेरे पास आज नेचर वॉलेंटियर और शहर के कुछ अन्य संस्थान के सदस्यगण आए थे और उन्होंने आज पिपलियाना तालाब में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करूँगा। और उन्होंने इस विषय को उठाया है कि ये तालाब शहर की धरोहर है, इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ पेपर कटिंग्स भी लगाई हैं और उन्होंने कहा है कि भविष्य में अगर ये इस पर निर्णय नहीं होता है तो वे इस पर अभियान चलाने की या आंदोलन चलाने की कार्रवाई भी करेंगे। मैं उस चीज़ से अवगत कराऊंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस विषय से संबंधित प्रकरण भी NGT में संचालित है, तो चूंकि ये प्रक्रियाधीन है और कोर्ट में संचालित है, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो जैसे भी निर्देश NGT के होंगे या वरिष्ठ कार्यालय के होंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और आपके छोटे साहब है, भरत जी साहब, ऐसे बहुत लोग जिससे फिगरली और इसमें हमने सिग्नेचर की कॉपी लगाई पूरी। नागरिक इस मनोरम स्थल पर पिकनिक के लिए आते थे और नैसर्गिक सुंदरता से अभिभूत माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा। अभी जो कंस्ट्रक्शन हेवीली चल रहा है उसके बारे में पिपलियाना को बचाने के लिए, क्योंकि हम तो तालाब बचाने का तो सिरपुर बचाए, हमने यशवंत सागर पे काम कर रहे हैं और दूसरे तालाब पे भी है। तो ये एक इंदौर में अर्बन सिटी में एक तालाब है जो सामने दिख रहा है कि जा रहा है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको पर्यावरण के साथ संवारा जाए। और उनके प्लानिंग हमको पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, तो बिना बताए वो करे जा रहे हैं, उस पर हम रोक लगाना चाह रहे हैं। और हमारी संस्था से और हमने 350 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव सेट दिया है इंदौर में सही करके, कि अब रोज खड़े रहेंगे तो लाखों आ जाएगी, ऐसा रोज का प्रोग्राम नहीं हो। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव जिसमें है आपके कोगजे साहब है, इसमें चीफ जस्टिस रिटायर्ड गवर्नर और मूले साहब है, अशोक चितले साहब है, भरत चितले है और ऐसे कई सीनियर लोग हैं, अभ्यास मंडल के कुलकर्णी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनने सही किए। और सबका यही कहना है कि इसको कहीं और ले जा सकते हैं ये, और इंदौर में ऐसा कुछ नहीं कि ये हांगकांग सिंगापुर नहीं कि जगह नहीं है, बहुत जगह है। आपको पोद्दार प्लाजा यहाँ पे पीछे है, जो कोर्ट पीछे से आ सकता है यहाँ पे, तो सबसे बढ़िया जगह आपकी पोद्दार प्लाजा है। उसके बाद 5 मील के कंपाउंड पड़े अभी आपके पास, उसमें से शॉर्ट करें, और नहीं तो IIM और IIT को जैसी जगह देती सरकार इनको भी दे, वो जगह की कमी नहीं है। कमिश्नर साहब ने अब वो तो क्या डिप्लोमेटिक है अभी इस प्रोसेस में, तो उनने कहा है कि हमने CM का ये चैनल है कि CM के लिए हमको यहाँ देना पड़ता है, तो ये भोपाल जाएगा हमारा और CM के टेबल पे जाएगा प्रॉपरली, तो उसके वहाँ से जवाब आएगा तभी ये एक्ट लेंगे, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक है, उनने एक्सेप्ट किया है और ये हमारा बड़प्पन के उनने एक्सेप्ट किया है।